गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एवरीडे क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ का आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूं। जो 7 नंबर बोलता है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। जो कह सकते हैं बॉल पॉइंट का, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो लीनियर इक्वेशन आपको इस 2 वेरिएबल का बनाना है, जो आपको ये रिप्रेजेंट करे स्टेटमेंट में, आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें 5 पेंसिल दिया हुआ है और 2 बॉल पॉइंट दिया हुआ है। इसी से इसका लीनियर इक्वेशन आपको इन 2 वेरिएबल का बनाना और रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट को। देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, सोल्यूशन कह सकते हैं। हमें दिया क्या हुआ, 5 द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट। तो यहां पर मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, कह सकते हैं ना, पेंसिल बी एक्स। पेंसिल का कॉस्ट क्या मान ली है, एक्स मान ली है। एंड कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बॉल पॉइंट्स को बी हम वाई मान लेते हैं। यहां पर कॉस्ट दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स मान लिए और द कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट को वाई मान लिए। क्योंकि यहां पर देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तो एक्स वाई का जरूरी है, 2 वेरिएबल का जरूरी होता है, तो 2 वेरिएबल हम मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। नाउ कम टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। 5 पेंसिल तो पेंसिल को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो मान लेते हैं 5 पेंसिल, तो 5x हो जाएगा। सिंपल कह सकते हैं इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट, किसके बराबर है, 2 बॉल पॉइंट्स के बराबर है। तो कह सकते हैं ना पेंसिल जो किसके, 5 पेंसिल किसके बराबर है, 2 बॉल पॉइंट्स के बराबर है। तो कह सकते हैं 5x इक्वल क्या कह सकते हैं, बॉल पॉइंट्स को क्या माने हैं, y माने हैं, तो 2y हो जाएगा। एक टर्म हमें प्राप्त हो गया 2। तो कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x पेंसिल को x माने हैं और कॉस्ट ऑफ द 2 बॉल पॉइंट को y माने हैं, तो इसको 2y हो गया। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखा गया और रिप्रेजेंट करना दिस स्टेटमेंट को। तो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके दिखा सकते हैं ना एक रेगुलर फॉर्म में। तो 5x इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y = 0। यही हमारा क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया रिप्रेजेंट करने का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका सोल्यूशन हो गया, तो कह सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।